Istenem, Szent Ígéké, Atya Szentlélek, egy Horticulture का subject है जो कि एक optional subject है जिसका नाम है HORT श्री वर्मन और subject का नाम है landscaping. ये एक आपका optional subject है आपके Horticulture आपके जो BSc third year में first third year के first sem में तीन optional subject है एक HORT श्री वर्मन landscaping है और एक एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट है जिसका कोड AGROM313 जिसके सब्जेक्ट का नाम है वीड मैनेजमेंट और एक आपके इकोनॉमिक्स का है जिसका कोड है AECON311 और सब्जेक्ट का नाम है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट. ये तीनों आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं. इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी भी आप एक सब्जेक्ट का सिलेक्ट चूज कर सकते हो या चयन कर सकते हो पर स्पेशली मैं आपको हॉर्टिकल्चर 311 लैंडस्केपिंग ही पढ़ाऊंगा. अब अपने जो आपके थर्ड ईयर के लैंडस्केपिंग में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वह है प्रिंसिपल ऑफ. पहले अपने जो नॉर्मल लैंडस्केपिंग क्या होता है ये समझेंगे जो मेन तौर पे दो तीन डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद में जो आपका हॉर्टिकल्चर 311 में जो फर्स्ट टॉपिक है वह अपने डिस्कस करेंगे. आपके जो सब्जेक्ट है लैंडस्केपिंग क्या होता है लैंडस्केपिंग फर्स्ट अपने ये डिस्कस करते हैं कि लैंडस्केप क्या होता है. लैंडस्केप एक ऐसा एरिया होता है स्मॉल और लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर यू प्लांट फ्लावर्स एंड ornamental tree. लैंडस्केप क्या होता है. लैंडस्केप भूमि का एक ऐसा एरिया छोटा या बड़ा एक ऐसा एरिया जहां पर आप सौंदर्यशील बना सकते हो वह कहलाता है आपका लैंडस्केप. ठीक है. लैंडस्केप क्या होता है. भूमि का एक छोटा या बड़ा एरिया जहां पर आप फ्लावर्स या ऑर्नामेंटल ट्री को बनकर उस एरिया को देखने योग्य या सौंदर्यशील या सौंदर्यपूर्ण बना सकते हो वह कहलाता है लैंडस्केप. लैंडस्केप के बारे में बात करते हैं लैंडस्केपिंग गार्डन. लैंडस्केपिंग गार्डन को मुख्यतः लैंडस्केप जो होता है लैंडस्केप को हिंदी में भू निर्माण बोला जाता है और लैंडस्केपिंग गार्डन को भू निर्माण बागवानी के नाम से जानी जाती है. भू निर्माण बागवानी लैंडस्केपिंग गार्डन क्या होता है कि भूमि का एक ऐसा एरिया प्लांटिंग फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल ट्री स्मॉल लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर यू प्लांट फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल ट्री इट्स कॉल्ड लैंडस्केपिंग गार्डन. भूमि का एक ऐसा एरिया जहां पर फूलों को लगाना या ऑर्नामेंटल ट्री को प्लांटिंग करना फ्लोर्स का क्या कहता है. पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है. नर्सरी तैयार करने के बाद इसको ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है.
ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद इसलिए क्या होता है, जो ऑर्नामेंटल ट्री होती है इसे प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, भूमि का वह एरिया, भूमि का स्मॉल या लार्ज एरिया जहाँ पर फूलों को लगाना या ऑर्नामेंटल ट्री को लगाना उसे कहलाते हैं लैंडस्केपिंग गार्डन, हिंदी में कहा जाता है भू निर्माण बागवानी। अब अपने डिस्कस करेंगे लॉन। लॉन क्या होता है? लॉन होता है कि जहां पर ग्रीन ग्रास उगाई जाती है, ग्रीन जहां पर क्या होता है कि ग्रीन ग्रास लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं लॉन। ठीक है, ग्रीन ग्रास को लगाना क्या कहलाता है लॉन। अब अपने बात करेंगे एक और उदाहरण के, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर। लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर होता है कि द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग इज नाउन लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर। लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट मतलब कि जो अपना बगीचा है, जो अपनी लैंडस्केप कोई भूमि है, खाली पड़ी भूमि है, उसको अपने उस पर अपने लैंडस्केपिंग गार्डनिंग करनी है, उसको मतलब उसमें जो फ्लावर्स वगैरह लगाएंगे, जो ऑर्नामेंटल प्लांट लगाएंगे, उसको सजाने की कला, सजाने की जो कला होती है या डिजाइन करने की जो कला होती है उसे कहते हैं लैंडस्केप आर्किटेक्चर। अब अपन बात करते हैं फोकल पॉइंट, एक होता है उसके फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप कभी कोई बाग में गए होंगे या कहीं और गए होंगे तो उसमें क्या आपको आकर्षित करने के लिए कोई मूर्ति लगाई गई होगी या कोई रंग बिरंगे फूलों का कॉन्ट्रास्ट किया गया होगा या कोई और वेराइटी के फूल लगाए गए होंगे जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आप उसे क्या कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षित करने की कोई भी वस्तु, कोई भी प्लांट, कोई भी मूर्ति, कोई भी फुहारा वगैरह कुछ भी लगाया होगा वह कहलाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या उसे क्या कहते हैं फोकल पॉइंट। जो चीज़ आपको आकर्षित करेगी वह फोकल पॉइंट कहलाएगी। मैंने आपको पांच डेफिनेशन बता दी है। फर्स्ट मैंने बताया लैंडस्केपिंग, लैंडस्केप क्या होता है एक बार बता दो, मैंने आपको तीन चीजें जो दो तीन चीजों की डेफिनेशन बताई है। पहले मैं आपसे बात करते हैं लैंडस्केप, फिर मैंने आपको बताया लैंडस्केपिंग गार्डन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था फोकल पॉइंट क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था लॉन क्या होता है, और फिर मैंने बताया था आपको लैंडस्केप आर्किटेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको एक बार सभी डेफिनेशन दोबारा बता देता हूँ कि लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप वह होता है यानी भूमि का वह भाग, कोई छोटा या बड़ा भाग जहाँ सौंदर्यशील बनाया जा सके उसे कहते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केपिंग गार्डन क्या होता है, प्लांटिंग फ्लावर, फ्लावर को लगाना या किसी ऑर्नामेंटल ट्री को लगाना किसी भूमि के छोटे या बड़े क्षेत्र पर उसे कहते हैं लैंडस्केपिंग गार्डन। फोकल पॉइंट होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप किसी बाग में गए हो तो वहाँ पे क्या आपको अट्रैक्शन आकर्षित करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर लगाई गई होगी ताकि आप उस चीज को जाके देखें, या कोई वस्तु हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई फाउंटेन हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसकी तरफ आप अट्रैक्शन होते आपकी फोकल पॉइंट। लॉन क्या होती है, ग्रीन गार्डन, हर बाग में गार्डन में ग्रीन ग्रास ग्राउंड किया जाता है वो कहलाती है लॉन। और लैंड
लैंडस्केपिंग के आपका पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग, भू निर्माण के सिद्धांत क्या है, भू निर्माण के सिद्धांत एक एक करके अपने इसके सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिद्धांत है एक्सिस, एक्सिस को हिंदी में अक्ष बोलते हैं, अक्ष होता है कि यह बाघ को एक काल्पनिक रेखा होती है और बाघ को यह दो भागों में विभाजित करता है। यह कोई भी रास्ता हो सकता है, कोई रास्ता हो सकता है या फिर पेड़ों की पत्तियां हो सकती हैं जो बाघ को दो भागों में विभाजित करता है। एक्सिस होता है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो बाघ को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित चाहे वो किसी रास्ते द्वारा करें या किसी पेड़ों की पंक्तियों द्वारा करें। इसलिए ये आपके जो फॉर्मल, ये आपके जो गार्डन स्टाइल होते हैं वो भी चार तरह के होते हैं, फॉर्मल, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल और फ्री स्टाइल और वाइल्ड स्टाइल। या आपके आगे टॉपिक आएगा उसमें अपने अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसमें जो फ्री फॉर्मल स्टाइल होता है, फॉर्मल स्टाइल में जैसे इसका मैं टेक्स्ट का आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे फॉर्मल फॉर्मल स्टाइल में क्या होता है कि जो रास्ता होता है वो मिडिल में होता है ताकि पार्क को दो भागों में विभाजित कर सके, ठीक है। और जो इनफॉर्मल गार्डन होता है, इनफॉर्मल गार्डन में क्या होता है, ये रफ होता है, रफ होता है यानी ऊपर खापड़ होता है, जो रास्ता होगा वो ऊपर खापड़ होगा, ठीक है। अब अपने आगे बात करते हैं, आगे क्या है राइट फ्रॉम, सेकंड प्रिंसिपल है राइट फ्रॉम। फर्स्ट अपने बात की है एक्सिस के बारे में और सेकंड बात करते हैं राइट फ्रॉम। राइट फ्रॉम को हिंदी में मेरी शुरू के नाम से जाना जाता है। राइटिंग होता है कि किसी बाग को, किसी बाग में अपने प्लांटेशन प्लांट लगा रहे हैं या कुछ रोपर लगा रहे हैं तो वो क्या है, उनकी जो दूरी होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी होती है वो प्रॉपर रखी जाती है, समान रखी जाती है दूरी, निश्चित अंतराल पर बार बार एक पौधे को बार बार लगाना राइटिंग कहलाता है। राइटिंग होता है कि आप पौधा लगा रहे हैं या कोई फूल लगा रहे हैं तो उसको बार बार एक समान दूरी पर बार बार दोड़ाना क्या कहलाता है, राइटिंग। बार बार समान दूरी पर दोड़ाना समान दूरी पर दोड़ाना और राइटिंग। अब अपने आगे थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल आपके बैलेंस, बैलेंस कोई भी अपने एक काम स्टार्ट करता है दो चीजों के बीच बैलेंस प्रॉपर बना के रखना चाहिए। पार्क में भी जो बैलेंस होता है वो प्रॉपर करना चाहिए ताकि गार्डन जो है वो देखने में अच्छा लगे। बैलेंस करने के
होता है यूनिफॉर्मिटी को खत्म करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को खत्म करने के लिए कोई भी एक ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव चीज को लगाना क्या कहलाता है, असेंस कहलाता है। ठीक है, अट्रैक्टिव मैं आपको स्टार्टिंग में एक फोकल पॉइंट बताया था, फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्टिव चीज को ही, इसी अट्रैक्टिव चीज को ही फोकल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, फोकल पॉइंट। और एसेंस क्या होते हैं, वो गार्डन लगाया हुआ, गार्डन की एक रूपता, यानी गार्डन एक तरह एक ही तरह का ना लगे, उसकी एक यूनिफॉर्मिटी को खत्म करने के लिए क्या उसमें कोई अट्रैक्शन लगाया जाता है, या कोई अट्रैक्शन कोई मूर्ति हो सकती है, या कोई रात मूर्ति हो सकती है, फाउंटेन हो सकता है, फाउंटेन हो गया, कोई कोई स्टेच्यू होगी, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हो गए, डिफरेंट कलर के फ्लावर हो गए, ईटीसी, ऐसी कोई चीज जो आपको आकर्षित करे वो असेंस कहलाती है। ठीक है, आगे प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट गार्डन में एक चीज, गार्डन में जो होते हैं कलर होते हैं उनको एक दूसरे की अपेक्षित लगाना चाहिए। जैसे जो रेड कलर होता है, रेड कलर की अपेक्षित आपको ब्लू, रेड की अपोजिट, रेड की अपोजिट आपको ग्रीन कलर लगाना चाहिए, रेड की अपोजिट आपको ग्रीन कलर लगाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं आपने प्रोपोर्शन, एक गार्डन होता है, गार्डन को अपने प्रॉपर भागों में बांटना होना चाहिए, जिसमें कि है जो अपने घास लगा रहे हैं, घास गार्डन में 15% एरिया पर लगाना चाहिए, और जो अपने गार्डन में बिल्डिंग वगैरह, अगर बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो बिल्डिंग वगैरह अपने 5% एरिया पर लगानी चाहिए, और अपने कोई जैसे गार्डन में रास्ता बनाते हैं, रास्ते अपने 20% जगह पर रास्ता होना चाहिए, और बेसिक हर्बेलियस, हर्बेलियस अपने 20% जगह पर होने चाहिए, और अपने कोई शर्बेली, एक शर्बेली होता है 20% जगह पर शर्बेली होनी चाहिए। और अगर बाग में अपने पेड़ पौधे लगा रहे हैं, फूलों वाले पौधे लगा रहे हैं, तो 20% जगह पर पेड़ पौधे होने चाहिए। देखिए अगर अपने बाग लगा रहे हैं, बाग में क्या होता है, गार्डन में, गार्डन में जो घास का एरिया होता है वो 15% एरिया पर लगाने चाहिए, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो 5% एरिया पर होनी चाहिए, जो रास्ते होते हैं वो 20% एरिया पर होने चाहिए, और अपने बेजेस होते हैं वो 20% एरिया पर होने चाहिए, शर्बेरी होता है वो 20% एरिया पर, और पेड़ पौधे लगाने चाहिए वो 20% एरिया पर लगाने चाहिए। आगे बात करते हैं कलर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब मैं अपने मोटिवेशन में कल टॉपिक चल रहा था लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग में मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने अपने डेफिनेशन डिस्कस की थी लैंडस्केपिंग क्या होता है। लैंडस्केपिंग के बाद मैंने आपको बताया था कि लैंडस्केपिंग गार्डन क्या होता है। लैंडस्केपिंग गार्डन के बाद मैंने आपको एक फोकल पॉइंट के बारे में बताया था, फोकल पॉइंट क्या होता है, फिर बताया था कि लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर क्या होता है, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद अपने एक टॉपिक है जो आपके फर्स्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग, वह चल रहा था। प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग में मैंने आपको पढ़ा दिया था, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग में मैंने आपको 6 पॉइंट करवाए थे। फर्स्ट पॉइंट था एक्सिस, जिसे ई में अक्ष बोला जाता है, फिर सेकंड पॉइंट था राइथम, राइथम को हिंदी में धुरी बोला जाता है, फिर है कॉन्ट्रास्ट,
तरह के फूलों को प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है।